पापा कसम अगर तुम सच में बजरंग बली हो तो वो जो चौक है ना वहां बिना चले जाओ। कहाँ गए? विजय हम यहाँ हैं। अच्छा आप गायब होके दिखाओ। बजरंग बली प्लीज एक बार वापस आ जाओ। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली प्लीज। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली मान गया आपकी लीला को, अपरंपार है। बजरंग बली बजरंग बली हम आपके चरणों में आ गए हैं, अब आप हमें अपना दास बना लीजिए, हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए। गुड्डू बोलो जय बजरंग बली की। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली की। जय बजरंग बली की। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली की। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। गुड्डू जी। गुरुदेव बजरंग बली मूरत ही नहीं मोहिनी मूरत लग रहे हैं ना। गुरुदेव आपके हाथों मंदिर का कायाकल्प हो गया। नहीं गुड्डू, ये तो बजरंग बली की असीम अनुकंपा है जो उन्होंने अपनी सेवा में हमें नियुक्त किया। गुरुदेव आप हैं और ये तो सबके बाप हैं। जय बजरंग बली। जय बजरंग। गुड्डू जी। गुरुदेव आओ आरती शुरू करते हैं। जी गुरुदेव। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे तुम उधर आरती की तैयारी करो और हम इधर पान लगाने की तैयारी करते हैं। महोदय आपसे एक छोटी सी विनती है, आप अपनी ये पान की दुकान मंदिर से दूर रखिए। अरे काहे दुकान दूर रखे हैं, तुमने मंदिर खरीद लिया क्या? खबरदार जो मंदिर को खरीदने बेचने की बात की तो मार मार के मुंह लाल कर देंगे, देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि खून की लाली है या पान की। गुड्डू कितनी बार तुमसे कहा है गुड्डू कि हिंसा पे मत उतरो। महोदय हम इनकी तरफ से क्षमा मांगते हैं, आज से इस मंदिर के पुजारी हम हैं, तो इसलिए आपसे एक छोटी सी विनती है, आप अपनी पान की दुकान इस मंदिर से दूर रखिए। जी जी जी। जय बजरंग। आओ गुड्डू आरती शुरू करें। गुरुदेव पहले नारियल फोड़ लें। अवश्य। जय बजरंग बले। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। जय बजरंग बली। हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के रंगी। का हुआ है? का है के? निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबैसा, कानन कुंडल कुंचित के। हनुमान मंदिर से ये आरती की आवाज कैसे आ रही है? अरे हाँ, और वो भी पुजारी की गैर मौजूदगी में। कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐ कछु, वो की आवाज कहाँ से आ रही है? किसकी आवाज? वो क्या कहते हैं उसे, वो जो ये पढ़े हनुमान
चालीसा ओए सिद्धि साकी गौरीसा। वो क्या कहते हैं, आरती कीजिए हनुमान लाला। बस हम उसी को तो खोजने जा रहे हैं। कौन है सुबह सुबह जिसने घंटी बजा के हमारा नींद खराब किया है, सपना तोड़ा है, वही अच्छा, देखने जा रहे हैं हम। हम भी तू ये क्या कर रहा है सुबह सुबह, मुंह में राम बगल में हनुमान, ये तपस्या कर कह रहे हो तुम सुरीली के लिए? ए चुप कर, सुबह सुबह हमारा नींद खराब किया हो तुम, सपना तोड़े हो घंटी बजा के। गुरुदेव आप पिता तुल्य हैं, आपकी वाणी से ऐसी तुच्छ बातें शोभा नहीं देती। हाँ बेटा, और कभी कभी तुमको भी ये सब शोभा नहीं देता है जो कर रहे हो। लाओ प्रसाद दो। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। भ्राते अपना हस्त बढ़ाइए। क्या हंसने के लिए कह रहे हैं? है? हंसने को नहीं बोल रहा हूँ, हाथ बढ़ाने को बोल रहा हूँ। प्रसाद लीजिए। माते आंटी से माते लपड़ मारेंगे। आंटी और माते में कोई अंतर नहीं है। हाय नैया, दोनों एक बराबर हैं। प्रसाद कल्याण। क्या जवानी दीवानी, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? भ्राता श्री, मेरी जवानी तो बजरंग बली की दीवानी हो चुकी है। मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली बसे हैं। मैंने अपना सारा जीवन बजरंग बली के चरणों में समर्पित कर दिया है। माते आप भी अपना हस्त बढ़ाइए। हम नहीं बढ़ाएंगे हाथ, तुम कह दोगे तुम सास बनने वाली हो। माते साथी संगी सास ससुर अब सब कुछ यही है मेरे। आप प्रसाद खाइए और चैन की बंसी बजाइए। सुरीली जी आप भी अपना हस्त बढ़ाइए। सुरीली जी हमें हमारी पुरानी हरकतों के लिए क्षमा कीजिए। ए आयो, हम जानते हैं कि प्रेम का प्रायश्चित आसान नहीं है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। ये आया। आप प्रसाद खाइए और आज के बाद से हमको भूल जाइए। कल्याण हो, हम समझ सकते हैं, चले गए। अच्छा हुआ पुजारी बन गया। बड़ा नौटंकी लड़का था, दिन भर हमें सुरीली की रखवाली करनी पड़ती थी। आज तो पेट भर खाना खाएंगे, दोपहर में बेखबर सो जाएंगे। मिश्री वो देखो रोते हुए गई है, उसको पहले देखो जाके उधर। हाँ ए सुरीली, इसे क्या होगा, किसकी आ गई है मौसी? ए सुरीली, सुरीली क्या कछुआ चाचा? हाँ ये वाकई में पंडित है, ये पोंगा पंडित। अरे मुकुंदी बाबू आप इस पे सोचिए भी मत, सब समय पर छोड़ दीजिए, समय अपने आप इसका रंग खोल देगा। कौवा चला हंस की चाल और कछुआ चला अपनी चाल। पप्पू बेटा लो, बिजी पांडे का बिजी बाप भी आ गया। प्रणाम बेटे को। देखो हमारी बेटा, अबे हट ला। ए पप्पू है बेटा, देखो हम आ गए हैं। प्रणाम पिताश्री। पहली बार चरण छुए हमारे। हे बेटा तुम ठीक हो? बजरंग बली की कृपा है। अरे क्या कर रहे हो तुम ये सब हैं? पापा कसम हमने तुम्हें मिलिट्री में इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि तुम हमारी इकलौते औलाद हो। और ये क्या कह रहे हो तुम हैं? हम तुम्हें पुजारी नहीं बनने देंगे, नेवर नेवर नेवर। पुजारी तो हम बन चुके हैं और अब तो हमें ऐसा लगता है कि हम सदियों से पुजारी थे। बेटा पापा कसम अगर तुम्हारी पुजारी गिरी मार मार के भी छुड़वानी पड़ी ना तो मुझे शर्म नहीं आएगी, लेकिन हम अपना बच्चा गवाएंगे नहीं। हाँ है बेटा, है पप्पू। पिताश्री अपने इंद्रियों को अपने वश में कीजिए और अपना समय व्यर्थ ना कीजिए। गुड्डू जी। गुरुदेव
पिताश्री को घर तक छोड़ के आ जाओ। आइए। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। आइए चाचा, हम नहीं जाएंगे। चाचाश्री, हमें ये हमारी साइकिल आ जाएगी। बजरंग बली, क्षमा कीजिएगा हमारे पिताश्री को, अभी नादान है। जय बजरंग बली। अब भौंकने से कोई फायदा नहीं है भैया, पूरी तरह से हनुमान जी के हो चुके हैं। अब इस कड़वे सच को सहजता से स्वीकार कर लो भाभी, स्वीकार कर लो। हम सब कुछ करके हार चुके हैं भाभी, अब कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जय बजरंग बली। बस इसी तरह जहाज जहाज खेलते रहेंगे। ऐ सुरीली चल खा ले, आ जा। दोपहर का खाना खाया नहीं का है? अब क्या करें? है सुरीली तेरे पैर में गिर जाए का है? कुछ तो बोल। हाँ, मौन व्रत धारण करने से कोई नहीं मिलेगा, वो तो पुजारी बन गया है, भूल जाओ उस लफंगे को। दुनिया में कोई लड़के की कमी है क्या? कोई कैसे लट्टू होगा तुम पे? टाइम पे नहाती नहीं हो, कपड़ा नहीं बदलती हो, क्या कहते हैं वो नहीं लगाती हो, वो का हो, वो चीज होती है वो जो दाढ़ी नहीं, वो जो का फेर एंड लाली, वो क्रीम लगाया करो, बंटर के रहो, मैंने कहा लगोगी बेटा। हाँ, अच्छे भले विश्वामित्र की तपस्या भी भंग हो जाएगी। हाँ, लो जो बेटा खा लो, थोड़ा खा लो, लो। ये हुई ना बात, अच्छे से खाना खा लो बेटा। हाँ, अच्छे से सो जाना है, हम पानी लेके आते हैं। मैंने कहा लगोगी बेटा। हाँ, अच्छे भले विश्वामित्र की तपस्या भी भंग हो जाएगी।
सुरीली जी, आप यहाँ इस वक्त? एया, आयो, ए। सुरीली जी, इतनी अंधेरी रात में अगर कोई हमको और आपको यहाँ पे देख लेगा तो आपका और हमारा चरित्र कलंकित हो जाएगा। सुरीली जी, आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में कीजिए, यह आपको शोभा नहीं देता है। काहे इस निकम्मे का भाव बढ़ा रही हो? हाँ, हमें पता है ये निकम्मा है, लेकिन हमारी एक ही तो गुंगी सुंगी बेटी है, उसको कुछ हो गया तो कहाँ जाए है? लगता है कुछ करना पड़ेगा। भाइयों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। हमें सोचना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसने बिजी पांडे को पुजारी बनने पर मजबूर किया। बिजी पांडे, एक सभ्य नागरिक होने के नाते बताओ, ऐसी कौन सी मजबूरी रही जिसने अचानक तुम्हें पुजारी बना दिया? जय बजरंगबली। ये सब बजरंगबली की कृपा है, बजरंगबली की शक्ति से हमें भक्ति आ गई। पर तुम इस तरह से घर और समाज की जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकते हो बीजी पांडे? ये बात तो आप लोगों के ऊपर भी लागू होती है। जब पुजारी जी विवाह करने के लिए गाँव गए थे तो बजरंगबली का मंदिर गंदा पड़ा हुआ था, बजरंगबली गंदगी में रह रहे थे, और आप लोगों ने क्या किया, देख कर भी अनदेखा कर दिया और पीठ घुमा के चल दिए। बिजी, कुछ तो फैसला कर, हमारी बेटी मर जाएगी बेटा। बजरंग बली पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी ने सब सही कर दिया है बिजी पांडे, तुम्हारे माध्यम से हमारी आंखें खोलकर हम प्रॉमिस करते हैं कि अब हनुमान मंदिर किसी एक पुजारी के भरोसे नहीं रहेगा, बल्कि हम सब बारी बारी से पूजा करेंगे। हम सब बारी बारी से पूजा करेंगे। हम सब कसम खाते हैं कि रोज मंदिर में साफ सफाई रखेंगे और नियमित रूप से पूजा पाठ करेंगे। क्यों भाइयों? हाँ, हम हनुमान जी की सच्ची कसम खाते हैं। देखा बीजी पांडे, अब तो मान जाओ। पर हमें यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अब आपको कृपा करके यहाँ से जाना पड़ेगा बिजू बाबू, हम वापस आ गए हैं। पंडित जी, हाँ जी, आपकी तो शादी हो चुकी है और बजरंग बली के मंदिर में आप कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं? अरे रिज्जू, दिमाग में भूसा भरा है क्या? और आप लोग से किसने कहा कि जो विवाहित होगा वो हनुमान मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता? अरे राम जी विवाहित हैं और हनुमान जी उनके सबसे बड़े भक्त हैं। हे मुकुंदी बाबू, इस बिज्जी पांडे को समझाइए ना, अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, दान दक्षिणा नहीं मिलेगा तो पंडितायन को खिलाएंगे क्या है? अरे बिज्जू बाबू, अब आप प्रस्थान करो और हमें आसन ग्रहण करने दो। चलो पप्पू। बजरंग बली, ये आपने हमें कैसी धर्म संकट में डाल दिया है। संकट कैसा वत्स? बजरंग बली, ये लोग सच कह रहे हैं। पापा कसम गुरु, तुम अपनी ला सुरीली और मम्मी का ध्यान रखो,
बजरंगबली, पर हम आपको भुला नहीं पाएंगे। सच मुच तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जय बजरंगबली। अरे पापा रजाए दीजिए, ओढ़ के सो जाते, ठंडक लग रही है। अब्बू अबे ये सब क्या है? अरे अबे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे भैया, अरे गुड्डू ये कौन है? अरे ये भाभी है भैया। सुरीली। हाँ सुरीली, कितनी हम भी हैं। अरे आप क्या क्या है? अरे क्या है? अरे भक्त जनो, उस पुजारी को छोड़ो और उस पुजारी की सुनो। आज शाम को इस मंदिर में रामायण का पाठ होगा, तो प्रेम और आदर पूर्वक राम की कथा सुनने आ जाना। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। तो वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम, उनके गुण, हर युग में जहां जहां रामायण का पाठ होगा और निस्वार्थ भावना से सेवा पूजा होगी, तब तब मैं वहां उपस्थित रहूंगा। जय श्री राम। कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलिबिटप कुठारी, सादर सुनो। सॉरी गुरु। क्या हुआ भैया? अबे यार गुड्डू, हाँ इस आदमी को लापतागंज में पहले भी कहीं देखा? बे भैया देखा होगा, रामायण का पाठ शुरू हो गया। चलो पानी मिला नहीं पाता, प्यार भूख न प्यास सताती, अच्छा है राशन तो बचाती। रोज सुख दुख से होती है अपनी आँख में चौली, बिन बिजली मनाते हैं दिवाली और बिन पानी के हो। यहाँ तो सब कुछ है लापता, फिर भी खुशियों का है पता। मिश्री, काहे इस निकम्मे का भाव बढ़ा रही हो? है? हाँ, हमें पता है ये निकम्मा है, लेकिन हमारी एक ही तो गुंगी सुंगी बेटी है, उसको कुछ हो गया तो कहाँ जाए? है? लगता है कुछ करना पड़ेगा। भाइयों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, हाँ, कहिए, कहिए। हमें सोचना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसने बिजी पांडे को पुजारी बनने पर मजबूर किया। बिजी पांडे, एक सभ्य नागरिक होने के नाते बताओ, ऐसी कौन सी मजबूरी रही जिसने अचानक तुम्हें पुजारी बना दिया? जय बजरंगबली। ये सब बजरंगबली की कृपा है, बजरंगबली की शक्ति से हमें भक्ति आ गई। पर तुम इस तरह से घर और समाज की जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकते हो बीजी पांडे? ये बात तो आप लोगों के ऊपर भी लागू होती है। जब पुजारी जी विवाह करने के लिए गाँव गए थे तो बजरंगबली का मंदिर गंदा पड़ा हुआ था, बजरंगबली गंदगी में रह रहे थे, और आप लोगों ने क्या किया, देख कर भी अनदेखा कर दिया और पीठ घुमा के चल दिए। बिजी, कुछ तो फैसला कर, हमारी बेटी मर जाएगी बेटा। बजरंगबली पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी ने सब सही कर दिया है बीजी पांडे, तुम्हारे माध्यम से हमारी आंखें खोलकर हम प्रॉमिस करते हैं कि अब हनुमान मंदिर किसी एक पुजारी के भरोसे नहीं रहेगा, बल्कि हम सब बारी बारी से पूजा करेंगे। हम सब बारी बारी से पूजा करेंगे। हम सब कसम खाते हैं कि रोज मंदिर में साफ सफाई रखेंगे और नियमित रूप से पूजा पाठ करेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम हनुमान जी की सच्ची कसम खाते हैं। देखा बीजी पांडे, अब तो मान जाओ,
पर हमें यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अब आपको कृपा करके यहाँ से जाना पड़ेगा बिज्जू बाबू, हम वापस आ गए हैं। पंडित जी, हाँ जी, आपकी तो शादी हो चुकी है और बजरंग बली के मंदिर में आप कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं? अरे रिज्जू, दिमाग में भूसा भरा है क्या? और आप लोग से किसने कहा कि जो विवाहित होगा वो हनुमान मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता? अरे राम जी विवाहित हैं और हनुमान जी उनके सबसे बड़े भक्त हैं। हे मुकुंदी बाबू, इस बिज्जू पांडे को समझाइए ना, अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, दान दक्षिणा नहीं मिलेगा तो पंडितायन को खिलाएंगे क्या? हैं? हे बिज्जू बाबू, अब आप प्रस्थान करो और हमें आसन ग्रहण करने दो। चलो पप्पू। बजरंग बली, ये आपने हमें कैसे धर्म संकट में डाल दिया है। संकट कैसा वत्स? बजरंग बली, ये लोग सच कह रहे हैं। पापा कसम गुरु, तुम अपनी ला सुरीली और मम्मी का ध्यान रखो। बजरंग बली, पर हम आपको भुला नहीं पाएंगे। सच मुच तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जय बजरंग बली। अरे पापा रजाई दीजिए, ओढ़ के सो जाते, ठंडक लग रही है। पप्पू, अबे ये सब क्या है? अरे अबे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे भैया, अरे गुड्डू, हाँ ये कौन है? अरे ये भाभी है भैया। सुरीली? हाँ सुरीली, कितनी अच्छी। हम भी हैं। इधर आओ। अरे आप क्या क्या है? अरे क्या है? अरे भक्त जनो, उस पुजारी को छोड़ो और इस पुजारी की सुनो। आज शाम को इस मंदिर में रामायण का पाठ होगा, तो प्रेम और आदर पूर्वक राम की कथा सुनने आ जाना। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। तो वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम, उनके गुण, हर युग में जहां जहां रामायण का पाठ होगा और निस्वार्थ भावना से सेवा पूजा होगी, तब तब मैं वहां उपस्थित रहूंगा। जय श्री राम। कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलिबिटप कोठारी, सादर सुनो। सॉरी गुरु। क्या हुआ भैया? अबे यार गुड्डू, हाँ इस आदमी को लापतागंज में पहले भी कहीं देखा है? भैया देखा होगा, रामायण का पाठ शुरू हो गया। चलो।